मिशन 2023 की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में गुरुवार को मंथन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन ने प्रदेश के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी भी शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि बैठक में खैरागढ़ उपचुनाव में हार की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही संगठन में बदलाव को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत पर बल दिया गया है। उन्होंने बस्तर सरगुजा संभाग के दौरे के बाद यह पाया कि ज्यादातर जिलों में कामकाज ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस से मिली हार ने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की दशा और दिशा सुधारने हाईकमान ने प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। विधानसभा के बाद नगरीय निकाय और उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार का असर चुनावी कमान संभाल रहे दिग्गज नेताओं पर पड़ता दिख रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और महामंत्री पवन साय को दिल्ली बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही हैं। उन्होंने रायपुर से लेकर बस्तर तक की रिपोर्ट संगठन को सौंपी है, जिसमें संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत पर बल दिया गया है। बस्तर सरगुजा दुर्ग संभाग के दौरे के बाद यह पाया गया कि ज्यादातर जिलों में कामकाज संतोषजनक नहीं है, संगठन की गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। इस पर राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश ने चिंता जताई है। इन सब के चलते पार्टी हाईकमान बैठक बुलाने को मजबूर हो गया। चर्चा है कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जा सकता है, संगठन में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। यही नहीं, कुछ बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा सकते हैं, विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग पर फोकस किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुटबाजी की वजह से संगठन में एकता नहीं है, कई गुटों में नेता बट गए हैं। कोई भी बड़े आयोजन में नेताओं का नहीं आना भी सुर्खियों में रहता है। राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा तक कई गुटों में नेता बटे हुए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समय समय पर इस पर तंज कसते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कई बार यहां तक कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदेश संगठन पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व यहां के भारतीय जनता पार्टी नेताओं से किनारा करने लगे हैं। प्रदेश प्रभारी की स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।